बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करके अपनी बेटी की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस घर में या मैं रहूंगी या वो पैसा आएगा। जी आपकी वाइफ का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और उन्हें बस की थी ना आपको उसके बारे में बताया जाए और ना ही आपको जनाजे में बुलाया जाए। इतने सारे लोग हैं सबने चाहिए। जी ये जाने आलम साहब का घर है? जी बिल्कुल यही है। अब जाने आलम की अम्मी है? नहीं नहीं बेटा, मैं अम्मी नहीं हूँ, उनकी अम्मी तो वो हैं। हमें मदद चाहिए, वो उनकी अम्मी से बात करनी है, मुझे बहुत परेशान है। ये मेरी अम्मी है, मेरी इज्जत जाने आलम की वजह से खतरे में है। क्या? अगर आपको यकीन नहीं है तो अम्मी, वो सबूत है हमारे पास, सबूत। ये देखिए, देखिए जाने आलम वो अच्छा आदमी नहीं है। ये देखिए, ये लड़की भी इसी के ऑफिस में काम करती है। मैं इसने जान दे दी, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मुझे बचा लीजिए। हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा बेटा, मैं अभी आती हूँ, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। सुने, देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं। आए ना। क्या कह रहे? क्या हुआ, क्या बात है बेटा? अंकल, मैं जाने आलम के ऑफिस में काम करती हूँ, ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जाने आलम की वजह से मेरी इज्जत खतरे में है। झूठा है, एक नंबर का धोखेबाज है, रोज धमकाता है मुझे। रो मत प्लीज बेटा तुम। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसके ऑफिस में काम करती हूँ, वो लड़कियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसने मुझे भी धोखे में फंसाया। आपको यकीन नहीं है, ये लड़की भी उनके ऑफिस में काम करती है, इसने भी अपनी जान दे दी सिर्फ इसी आदमी की वजह से। ओह माय गॉड, मेरे अप्पू का भी इंतकाल हो गया इनकी वजह से। प्लीज स्टॉप इट। नहीं करना है मुझे कोई रिश्ता अब यहाँ। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? क्या हुआ? अब भी कोई जवाब बाकी है क्या? इसे पहचानते हो? ये आपको कहाँ? अंकल हम कहीं बैठकर बात करते हैं, आप आइए मेरे साथ। क्या तुम्हारा ख्याल है मैं अभी तुमसे बात करूंगा? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे ऐसे घर में रिश्ता भी नहीं करना जहाँ तुम जैसे लड़के हो। अंकल आप क्या कह रहे हैं, मेरी बहन का क्या होगा, सोसाइटी में हमारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। आप प्लीज मेरे साथ आइए ना, मैं बताता हूँ आपको। इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो तुम? तुम क्या जानो इज्जत होती क्या है? तुम जैसे घटिया लोग इज्जत की कीमत नहीं जानते। इधर आओ। एक नंबर के झूठे हैं ये, मक्कार लोग हैं अंकल। मेरी कंपनी के साथ 50 लाख का फ्रॉड किया इन्होंने। झूठ बोलता है ये, मेरी बेटी ने इतनी बड़ी रकम नहीं ली है, ये गलत आदमी है, हमें मजबूर करता है गलत काम करने के लिए। बकवास बंद करो अपनी। बस अंकल आप प्लीज मेरे साथ आए, मैं आपको सब बताता हूँ, आप आइए तो मेरे साथ। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है, नहीं करना है मुझे ये रिश्ता। अंकल प्लीज जी, क्या कह रहे हैं आप? चलो मियां उठो, चलो मेरी बात तो सुनिए। भाभी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ,
लेकिन अब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो भाई अंकल प्लीज, हमारी कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज मेरी बात तो सुने अंकल, मैं बताता हूँ आपको सारी कहानी। कहाँ जा रहे हैं आप? आंटी प्लीज यार, बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये झूठ बोल रहे हैं। मरियम कौन हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? एक नंबर की झूठी है ये, मक्का आ रही है। चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। क्या दुश्मनी है तुम्हें मेरे बेटे से? मैं जानबूझ के मैंने कुछ नहीं किया ये। गलती हो गई मुझसे, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इनकी वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है। मेरी इज्जत खतरे में, इस आदमी की वजह से। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही आंटी। अम्मी आप प्लीज मेरी बात सुने ना, ये झूठ बोल रही है, मक्का रही है। झूठ बोल रहा। तुम जाओ बेटा, तुम लोग आराम से अपने घर जाओ, तुम्हें खुश नहीं होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। मरियम बेटा, बस करो इरम, तुम तो बहुत बहादुर हौसलेमंद बच्ची हो ना। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही आप, सब फ्रेंड्स थी वहां पर मेरी, इंसल्ट हुई है मेरी। अलम भाई तो मेरे आइडियल थे, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो लड़की मेरे भाई के बारे में बात कर रही थी। आलम भाई हम सबको इतना बड़ा धोखा देंगे, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जाने आलम मेरे मान को इस तरह से खाक में मिला देगा। मेरी तरबियत इतनी बुरी तो नहीं थी रम कि उसने ये सिला दिया मुझे। शर्म आई तुम्हें? एक बार भी शर्म आई तुम्हें सब कुछ करते हुए? डूब नहीं मरे तुम? अम्मी मैं चुप रहो। तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अरे तुम्हारी रूह नहीं कांपी? कभी ये नहीं सोचा तुम्हारी एक बहन भी है?
इतने सारे लोगों के सामने मेरे साथ जो कुछ हो उसके बाद मेरा दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। जिस बेटे पे मैं फख्र करती थी आज उस बेटे को अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अम्मी वो झूठ बोल रही है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है वो, ये क्या? कभी नहीं सोचा कि इस सब के बाद तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी, कौन उससे शादी करेगा? अम्मी मैं, आप मेरा यकीन करें, मैं, तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे उस लड़की और उसकी माँ की फरियाद पे पूरा यकीन है। और अब अगर तुम्हारा साया भी उसके दामन पर पड़ा ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, समझे तुम? क्या कह रही हैं आप, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम चुप रहो, शक्ल नहीं देखनी मुझे तुम्हारी। इससे पहले कि मैं अपना कुछ कर लूं, मैं खुद ही यहां से चली जाती। अम्मी चाबी दो। ये सर मैं चाबी दो। दरवाजा खोलो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे ऐसे घर में रिश्ता भी नहीं करना जहां तुम जैसे लड़के होते। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो तुम? तुम जैसे घटिया लोग इज्जत की कीमत नहीं जानते। एक बार भी शर्म ना आई तुम्हें सब कुछ करते हुए? डूब नहीं मरे तुम? मुझे उस लड़की और उसकी माँ की फरियाद पर पूरा यकीन है। और अब अगर तुम्हारा साया भी उसके दामन पर पड़ा ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। बोल उठा, डैमिट।